नहीं देखो देखिए भाई मुन्नी ने कितना बढ़िया शब्द आप लोगों के सामने बोला कि धोखे में उम्र बीत गई, गुरु का नाम नहीं लिया। गुरु के नाम से मतलब है अच्छा काम नहीं किया और इस तेर मेर में ही फंसा रहा। कहीं माई पूजता रहा, कहीं पहाड़ पूजता रहा, कहीं पत्थर पूजता रहा और उस गुरु के बताए उपदेश पगरे नहीं, इनमें तो कुछ भी नहीं दे रहा, इन पत्थरों में तो जहां तू पूजन जा रहा, उसे कभी उसकी तरफ ध्यान ना किया। ये बहुत ज्यादा प्रचलन है। हम इतने सत्संग करते हैं लेकिन माई पूजने में इब्बी मिंडे मारने तक पिपाज नहीं आते। पढ़े लिखे लोग भी ऐसा करते हो। अभी मेरे सामने दिल्ली नौकरी करें चार भाई काम में आकर इतना बुरा किया कि चार सूर मार के गिर दिए। तो ये सत्संग आदमियों के लिए है लेकिन ये आदमी सुनता ही नहीं। कोई फतेहपुर सीकरी जा रहा, कोई गुड़गावे में जा रहा, कोई लोट लोट के जा, कोई बैठ बैठ के जा, पैसा भी लगावे नहीं। मैं किसी को मने नहीं करता, तुम आई ना पूछ जग रहे। माई तो पूज पर तू हलवे तो पूज लेना, तू खीर तो पूज ले, मुझे भी बुलाइए, संत महात्माओं को भी बुलाइए। तू उस चीज तक क्यों नहीं पूछता खीर तक? लेकिन तुझे मिंडे मारे बकरे मारे और उसे बकरे मारकर यूं कहे हे माई मेरे परिवार को बचा दिए, मेरे परिवार का जो है मेरे बेटे को पास करवा दिए, मेरा घर बनवा दिए, मैं तेरे पे छतर चढ़ा दूं, मैं तेरे पे ये करूं वो करूं, उसको तो पत्थर को तो भगवान कह रहा। और वो सबसे ज्यादा चिल्लावे जय माता की, जय माता की, जय माता की, जिसकी मां घर बैठी हुई मक्खी मारा लग रही। कोई पानी देने वाला ही नहीं, उनकी सुनता ही नहीं। और वो वहां जाके चिल्लावे उन पत्थरों को भगवान कहे। जो जिंदा भगवान जिसके सामने मैं अर्जी करूं उसका आशीर्वाद निकलेगा, उसकी सेवा करूं मेरे सारे कष्ट निवारण होंगे। अपने माता पिता की सेवा करिए, उन पत्थरों के चक्कर में मत घूमिए। आपको घूमना है वैसे घूमने जाइए लेकिन उस उद्देश्य को लेकर मत जाइए जो आपको धोखे में रखता है, अंधविश्वासों में ले जाता है। अरे माँ तो भगवान है, उसने तो यू मास में से मास दिया, 9 महीने गर्भ में रखा, आंखों की रोशनी दी और इतना बड़ा जो है ये सुंदर शरीर दे दिया। ए माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी? ए माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी? ममता ही लुटाते जिसके नैन उससे अच्छी मूरत क्या? 33 कोट देवता आंचल में पले तेरे, है सुरग यही माता कदमों के तले तेरे। अरे माँ की सेवा तो करके देखिए। मेरे प्यारो आपसे विनती करते हैं, अपने माता पिता की सेवा करिए। बहुओं से विनती करते हैं अपने सास ससुर की सेवा करें, अपने घर आए हुए संत महात्माओं की सेवा करें, अपने मिलने चिलने वालों में कोई बुजुर्ग है, कोई भी है, मेहमान सहमान कोई भी आता है, आप अपने अंदर सेवा भाव लेके आइए। सबसे प्यारा बोलिए, मीठा बोलिए, आपके सारे काम सही होंगे। अब आपके सामने हम बुलाते हैं श्री योगानंद जी महाराज जी, जो सुक्करताल आश्रम से आए हैं। और देखिए अभी अभी जो संत दास जी आप लोगों के सामने बोल रहे थे, उनका एक भंडारा है जिसमें ये कागज दिया, 1 अक्टूबर का सत्संग और 2 तारीख का भंडारा। आप सभी को आमंत्रित हैं, जिसको भी समय मिले जरूर जाइए। फौजी साहब, अरे भाई इनके बाद जो है फौजी साहब जी जो लकड़ संघ से आए हैं, वो अपने आप को तैयार करो भाई। फौजी साहब गुरु प्रेमियों,
देखिए जो आज संत समागम हैदरनगर के अंदर गुरु रविदास मंदिर पर हो रहा है, वो सभी बहुत बहुत धन्य हैं जो अपने धन से, पावन धन से सतगुरु महाराज के पावन दरबार को सजाया है और संत महापुरुष अपने गांव में बुलाए हैं। आप उनके वचन प्रवचन वाणी सुन रहे हैं तो आप सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। गुरु प्रेमियों, एक साल में एक बार तो नगर में सत्संग हो जाना चाहिए, क्योंकि जब आपके नगर में संत महापुरुष आते हैं, वक्ता आते, बुद्धिजीव आते हैं, वो सभी को प्रेम का मार्ग बता के जाते हैं, मानवता का मार्ग बता के जाते हैं। तो गुरु प्रेमियों, आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, धन्य हैं। तो एक बार सभी जोर से सतगुरु के दरबार में अपनी प्यारी रसना से जयकारा से नारा लगाएंगे। सभी को बोलना है जी, जो बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास जी महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास जी महाराज की जय। शिव बाबा हरिदास जी महाराज की जय। सभी महापुरुषों की जय। संत समाज की जय। काशी दरबार की जय। तो गुरु प्रेमियों, सायकाल से ये सत्संग चल रहा है, अनेक वक्ता गुरु के दरबार में अपनी हाजिरी लगाई, अपनी वाणी के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से सभी संगत को लाभान्वित करा। तो थोड़ा समय मुझको भी गुरु के दरबार में मिला तो मैं भी गुरु के दरबार में अपनी हाजिरी लगाऊंगा। तो गुरु प्रेमियों, जैसे कि संत महापुरुषों का संदेश था, एक मानवता, भाईचारा, प्रेम, इस बात को संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज जी ने अपने अपने एक एक श्वास में कहा कि सभी के अंदर मानवता होनी चाहिए, क्योंकि इंसान हर घर में जन्म लेता है लेकिन इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। आप कहीं भी जाके देख लो, वहीं आपको नर नारी सभी मिल जाएंगे, पर लेकिन जिसके अंदर दया, प्रेम, भाव, आस्था, वो बहुत ही कम लोग मिलते हैं। तो इसी बात को संत महापुरुष गांव गांव जाकर प्रचार प्रसार करते हैं, इस मानव को जगाते कि मनुष्य जाग, क्या तूने ये जीवन ही सब कुछ सत्य मान लिया है। तो गुरु प्रेमी उस संत जिस प्रकार से एक मेंढक कुएं के अंदर होता है, उसके भांति सतगुरु महाराज उसका संदेश देते हैं, बताते हैं कि जिस प्रकार से कुएं के अंदर मेंढक होता है तो उस कुएं को ही सब कुछ मान लेता है। जब कोई पनिहारी उसमें बाल्टी डालती है पानी लेने के लिए और वो मेंढक उस बाल्टी के माध्यम से बाहर आता है, तब देखता कि तो संसार बहुत बड़ा है। तो इसलिए गुरु प्रेमियों, क्या हमारा यही जीवन है जो हम कार्य कर रहे, क्या वो सत्य है? हम सुबह उठते हैं, जो भाई मजदूरी करता मजदूरी पर चले जाते हैं, जिस भाई की नौकरी वो नौकरी पर चले जाते हैं, और फिर शाम को आते, फिर खाना खाते, फिर सो जाते हैं, और फिर सुबह ऐसे ही कार्य करते हैं। तो गुरु प्रेमियों, थोड़ा समय हमें गुरु महाराज के नाम के लिए भी निकाल लेना चाहिए। श्वास श्वास में नाम भज, वृथा श्वास मत हो, पता नहीं इस श्वास का फिर आवन हो ना हो। तो गुरु प्रेमियों, हमें श्वास श्वास में गुरु महाराज के नाम का सुमरण करना चाहिए। अगर इस कलयुग में हम सुमरण करते हैं तो भव सागर से पार हो जाएंगे। इस बात को संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज जी ने भी कहा, सत जुग तेता जुगी दुअ पर पूजा चार, तीनों जुग तीनों दिड़े कल केवल नाम आधार। कि सतयुग में सत्य बोलते की, सत्य बोलने की प्रधानता थी, त्रेता युग में पूजा की प्रधानता थी, और द्वापर में यज्ञ आदि की प्रधानता थी, पर लेकिन कल युग में सिर्फ नाम की प्रधानता है। अगर आप सुमरण करोगे तो इस भाव सागर से पार हो जाओगे। इस बात को संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज जी भी कहते हैं कि छत्रपति सूर छत्रपति राजा भक्त बराबर और ना कोई। कि अगर इंसान उस परमपिता परमात्मा का नाम लेता है, वो चाहे राजा हो चाहे विद्वान हो, वो उस भक्त की बराबरी नहीं कर सकता। क्योंकि जिस प्रकार से चंदन का वृक्ष होता है, अगर उसके निकट कोई भी अरंड का वृक्ष हो जाए तो उसमें भी सुगंधि आ जाती है। तो ऐसे ही गुरु प्रेमियों, अगर आप सुमरण करोगे, नाम लोगे, तो आपके अंदर भी वो सुगंधि पैदा
हो जाएगी। हमें सच्चे संत महापुरुष की सेवा करनी चाहिए। सच्चे संत महापुरुष किसी जाति प्रथा संप्रदाय रंग द्वेष बनावटी धर्म के भेदों से सर्वथा ऊपर होते हैं। वो इस संसार में इस मानव को जगाने के लिए आते हैं, जो इस बंधन से मुक्त करने के लिए संसार में आते हैं। जैसे कि संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज जी, साहेब कबीर महाराज जी, नानक देव महाराज जी, अनेक संत महापुरुष संसार में आए इस मनुष्य को जगाने के लिए। तो गुरु प्रेमियों, हमें जागना चाहिए। और जो सच्चे संत महापुरुष होते उसकी क्या पहचान होती है? जिस प्रकार से फल होता है उसके तीन संकेत होते हैं पकने के। सबसे पहले तो उस फल का रंग बदल जाता है, और दूसरा उसके अंदर मिठास पैदा हो जाती है, और तीसरा वह नरम हो जाता है। तो ऐसे जो संत महापुरुष सच्चे होते हैं तो उनके भी चेहरे पर एक आत्मविश्वास का बल होता है, चेहरा चमकता है, और उनकी वाणी में इतना मिठास होता है कि जो भी कोई उनको सुन लेता है दोबारा सुनने की उसके अंदर चाह होती है। और तीसरा, वो बहुत नरम हो जाते हैं। कोई भी उनके द्वार पे आ जाए वो किसी की निंद्रा नहीं करते, किसी से द्वेष नहीं करते, किसी से घृणा नहीं करते, सबको मानवता का पाठ पढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से गुरु प्रेमी संत महापुरुष वाणी के माध्यम से बता रहे हैं। हेलो, आहु सतगुरु हृदय बसो मेरे काटो विघ्न कलेश, ज्ञान ध्यान के कारण मैं तो पूजा करूं हमें। नमो नमो गुरुदेव जी, मैं तो धरू चरण में शीश, सत्यानंद गुरुदेव जी कुछ ज्ञान करो बख्शी। अजर खिलाड़ी तुझे खेल में बतान, अजर खिलाड़ी तुझे खेल में बताऊ, छोड़ दे कुबत तुझे झुकत बताऊ, अजर खिलाड़ी तुझे खेल में बताऊ, तुझे झुकत बताऊ। गुरु मिलने की तकदीर रे, मन मारो मन मारो सुर काटो रे, मन मारो मन मारो सुर काटो रे, मन मारो। नाम की माला रखनी जैसे पास चल जा, साधे सकल शरीर रे, मन मारो सूरत है काटो रे, मन मारो I'm not a man।
पंडहारी सर पे घड़ा गले पे जारी से जो थे वे उनका नाम बोल रखा आ गए आ जाओ और उनके बाद महाराज जी सुभाष दास जी
वो अपने आप को तैयार रखें। बोलो साधो सत साहिब, प्रेम से बोले परम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। सभी संत समाज की जय। सत साहिब सतनाम। प्रथम गुरु के चरणों में हर धरो अपना शेष। श्री गुरु सहेंद्रदास जी समर्थ दाता मिले हर नाम किया शेष। हर बार बार विनती करो दंडवत कर जो बार पकड़ो वारियो सतगुरु साहब बंदी छोड़े। हर मन के मते ना चालिए इस मन के मते अने मन ले जा डूबे मझधार में जा बड़ी लगे सतनाम सबसे। हर मन ने की कर ले दो दिन का तो देने का मेहमान।
I'm gonna make you mine.
सतनाम सतसाहेब, सतनाम सतसाहेब। देखिए कितनी अच्छी वाणी आप लोग सुन रहे हैं। मन नेकी कर ले दो दिन का मेहमान। कई लोग दो दिन को इस तरह गिनते हैं कि एक दिन तेरे आने का, एक दिन तेरे जाने का, इस तरह गिनते हैं। अभी अभी पीछे भी एक जगह वाणी हुई थी तो मैं समझा रहा था, लेकिन उन्होंने कहा जी वे दिन बताओ ना कौन से हैं। वे इन्हीं दिनों को मन में बैठे कि एक दिन तेरा आने का है, एक दिन तेरा जाने का। लेकिन ये नहीं सोचते कि किसी की अगर 80 साल की उम्र है तो उस आने से लेकर 80 साल की उम्र जो है जाने की कितना बिच्चा है उसके बीच में, उस पर विचार नहीं करते। ये उस समय के लिए बताया गया है कि उस बीच में तुझे करना क्या है। मन ने की कर ले, अरे अच्छे काम कर ले। यूं मनुष्य का शरीर इसीलिए दिया, 2.25 करोड़ वर्ष में मनुष्य का शरीर मिलता है। ऊंच नीच घर करता बासा, लख 84 भुगते त्रासा। तो इस घूमने में 2.25 करोड़ वर्ष लगते हैं इस 84 को भी बिताने। और तब वो सतगुरु महाराज की तरफ से मौका मिलता है कि इनके तो इसे आदमी बना दो, शायद है इनके तो अच्छे काम कर ही लेगा। लेकिन यू यहाँ कभी अच्छे काम नहीं करता है। कितना सुंदर आपने गधा दे, क्या गधा, सब लोग उसे मूर्ख समझे, मूर्ख गधे को उसे सुबह ही तंबाकू के खेत में खड़ा कर दो और सांझ लो खड़ा रखो, जो एक भी पत्ता तोड़ लो, क्योंकि वो उसका भोजन है ही नहीं। और आदमी का क्या भोजन है, यू क्या खावे, जो मेवा मिष्ठान दूध खीर बादाम चिलगोजा खाने के हैं उन्हें तो छोड़ के और मांस भक्षण के पीछे लग रहा, नशे के पीछे लग रहा, उन चीजों को छोड़ के नशे के पीछे लग रहा। अरे गधा की मिसाल दे दी, हाथी की मिसाल देके, मीन की मिसाल देके, कुंजर की मिसाल देके इस मनुष्य को समझाया जा रहा, जबकि पशु पक्षी अपने धर्म के विरुद्ध कभी नहीं जाते, कभी नहीं जाते। और इस आदमी ने अपना धर्म छोड़ दिया ही नहीं है ना। तो देखिए दो दिन की जिंदगी अच्छा कर ले काम, पता नहीं सुबह ही कहीं हलवा बना पड़ा रहेगा सड़क के ऊपर। मौत का कोई भरोसा नहीं है, छिन भंगुर जीवन की कली, प्रातः काल खिले ना खिले कोई भरोसा नहीं। छिन भंगुर जीवन की कली, प्रातः काल खिले ना खिले, मलिया गिर की मंद सुगंध समीर, मिले ना मिले कल काल कृपाण लिए फिरता, तन पर नंबर की चोट झिले ना झिले, बजले तू हरि नाम रसना, अंत समय में हिले या ना हिले। कितना सुंदर समय आप लोगों के पास है, इतना अच्छा शरीर है, इससे प्यारा बोलिए, मीठा बोलिए, दूसरों के लिए कुछ काम करिए, भलाई के काम करिए, लेने की क्या काम। अब आपके सामने हम बुलाते हैं महाराज जी सुभाष दास जी, और इसके बाद में चाय पत्ते। और उनके बाद श्री राजवीर जी, श्री राजवीर जी जो मलकपुर से आए हैं वो तैयार रहिए। आप तैयार तो करो से, अच्छा तो ठीक है। बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज की जय हो। आधे तो गाल कटे जो आंख से बनवा जा, आके बैठ जा। अरे जय का नारा जोर से लगा दे, करो तुम मस्त ठाक है। बोले श्री सतगुरुदेव महाराज की, बोल बात करने वाले की। देखिए हमारे महाराज जी आ रहे हैं सुभाष दास दास जी। भैया थोड़ा सा रास्ता छोड़ दो, या चक्रोड बना दो हमको यार। तुम्हारे लिए सारा इंतजाम है, चाय पत्ती भी है और तड़की जब आरती होगी चाय फकोड़ी। 18 तारीख का सत्संग गांव उमरपुर के अंदर और 19 का भंडारा। हाँ, और ज्यादा से ज्यादा आइयो, गाजरों का हलवा बनवा रखा हमने।
हेलो 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 हाँ कल्लू भाई हेलो भाई सतगुरु महाराज की प्यारी सास संगत थोड़ा व्यसन का शोर करने का टाइम हो गया इस टाइम तो कर ही है लेकिन 5 मिनट और दो और उसके बाद आपका चाय का प्रसाद हो जाएगा। अरे सोन नगर तो इनकी सुन लो महाराज जी की बातचीत कर लेना फिर आपके देखिए मैं इतना बड़ा गायक तो नहीं हूं जो आपके बीच में आए और सभी ने आप अपने तरीके से समझाया और ये वो मंच है ये वो मंच है जिसको देवी देवता भी तरसते हैं। ये कोई मनोरंजन का विषय भी नहीं है ये भक्ति मार्ग का कार्य है इसे समझना। अभी बता कितने करोड़ है जी पुणे 2 करोड़ के बाद ये जन्म मिला जिसमें आप अब प्रेजेंट हैं। तो अभी आपने कितनी अच्छी वाणी सुनी मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान बड़े अच्छे भाव से गाया और कहने को तो सबने अपनी बात बहुत कुछ कही। अब मैं सोच कर लेता हूं अपनी बात को चलो कोई बात नहीं गुरु महाराज की कृपा हुई संत श्रोमणि सतगुरु रविदास महाराज की दया हुई आपके गांव में ये आज पहली बार 10 वर्ष करने का अवसर मिला बड़ी अच्छी बात है बड़े सौभाग्य का समय है। तो ये हेलो 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 कोई बात नहीं धीरे धीरे सब शांत हो जाएंगे। भाई गुरु प्रेमियों अभी शांत रहने की कृपा करो वहीं से लेते हैं जहां आपने सुना है। कुछ पहले हमारे संचालक ये बड़े सूझबूझ से चुने जाते हैं समाज में इन्हें पहले कहा था कि उसको समझ लेना चाहिए पहला वक्ता क्या कहे और पिछले ने क्या कहा ये समझना बहुत जरूरी होता है न तो आप गा के चले जाते हैं अपनी बात सभी। और एक बात और है कि मैं अजनबी भी नहीं हूं कि करीब करीब
सकल सरे नाम जो तो सभी सभी जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो थोड़ा समय दिए आप, नहीं कोई बात नहीं। हाँ सतगुरु के दरबार में खिले को फूल, सतगुरु स्वामी समन दास जी मेरी विनती करो कबूल। मान रे मन मान रे तेरे मानने की बात है, कुछ गई थोड़ी रही या भी अब जात है। पीले पीले रे मना गुरु नाम की जड़ी, पीले पीले रे मना गुरु नाम की जड़ी, ओ पीले पीले रे मना गुरु नाम की जड़ी। जन्म जन्म के दो